तो दोस्तों सिर्फ हम बात करने वाले बी एस सी लिमिटेड कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे बी एस सी का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मॉडल लेवल्स है जो हमें बी एस सी कंपनी के अंदर ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर टारगेट्स क्या होने चाहिए। सो देखो दोस्तों, बात अगर हम करें राइट नाउ यहाँ पर बी एस सी की, तो बी एस सी के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स है यहाँ पर, जिन्होंने पेशेंस के साथ इस स्टॉक को होल्ड किया है, वो यहाँ पर बहुत ही गजब का पैसा छाप रहे हैं। ठीक है, काउंटर कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पर जो है वो पिछले एक आध हफ्ते 10 दिन से भागता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड सब लोगों को पता है कि बी एस सी के अंदर ये जो रैली यहाँ पर चल रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो रीज़न एक ही है कि वो है यहाँ पर एन एस सी का आई पी ओ। ठीक है, एन एस सी का आई पी ओ आएगा तो वो बी एस सी के एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, एंड री रेटिंग होने की वजह से ही यहाँ पर जो है वो बी एस सी अभी फिलहाल के लिए परफॉर्म कर रहा है। सो जो भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहे डेफिनेटली कर सकते हैं, स्टॉक के अंदर कोई इश्यू नहीं है, कंपनी काफ़ी बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी जो है वो कहीं ना कहीं रीजनेबल है, अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक एफ आई आईज म्यूचुअल फंड्स के पास है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो ये एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म बेट भी बनेगा।